traffic multiple millions at cost. सर हम सिस्टम के लिए ये नेटवर्क नहीं बोले इसलिए इतना बोल रहे आप सिस्टम सर आपके चांस में कोई बात क्वेश्चन नहीं होता कोई जनरल क्वेश्चन नहीं होता बस आप कौन सा है यार मतलब किस एरिया में कर रहे हैं आप सर रिसाइकल करने ट्रेंड चल रहा है कोई भी डियर सर सारे डियर सर कौन सा प्रिंट सर प्रिंट सर जो हार्डवेयर वाली टीम को भी सेपरेट आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है ना हमारे ऑफिस में आप हार्डवेयर टीम के पास जाएंगे उनसे कहेंगे एक सर्वर साइन करो वो आपको सर्वर अवेलेबल करेंगे आप कहेंगे मुझे सैन दो सैन भी वो प्रोवाइड करेंगे आप नेटवर्क टीम के पास जाएंगे आप कहेंगे मुझे आई पी पूल में से आई पी साइन करो वो आई पी साइन करेंगे पॉलिसीज वगैरह आपसे पूछ लेंगे क्या आप सर्विस चलाने की अच्छा उसके बाद वो आप जाएंगे सिस्टम टीम के पास अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है एक बंदा सारे काम ना करता हो फायदा तब होता है उस चीज़ को लर्न करने का कि अगर आप वो चीज़ डेली बेसिस पर यूज कर रहे हो सिर्फ पढ़ उस चीज़ को छोड़ देना वो कि कोई फायदा नहीं चीज़ क्योंकि ना तो आप उस पर काम करेंगे ना कुछ की इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम साइड आपकी है आपकी सिस्टम साइड से जी मैं वहाँ से हमारे साथ पहले ही नेटवर्क पर रहा था इसलिए इसको बोलो ठीक होता आपकी साइड ठीक है सिस्टम साइड मैं भी सर से होता हूँ आज चार फिजिकल सर्वर्स दिए हैं एक और बाय से टीम आई थी इनको हेक्साफोन हुआवे के थे 10 GB ये वाले और 256 GB रैम वाले उन्होंने कहा हमें दो एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है हम 2 GB जो बेसिकली अब एक ही चीज़ को हाई वाले में तो हमने रिकमेंड किया वर्चुअल बनाए दो दे देते हैं डिफरेंट साइज पर रख लें दोनों में गेम खुला मैनेजमेंट ही मानी उन्होंने चार सर्वर में उनको दिया 10 लाख तक हद है मतलब इस तरह की सिचुएशन है वर्चुअलाइजेशन सर सर मैं यूज़र भी हमारा थोड़ा सा ऐसा है कि वो एक नैनो सेकंड का ग्लिच भी आ जाए ना तो चीख को पुकार शुरू कर देता है ये तो शॉर्ट होता है जो मसला रहे हैं तो या तो कम्युनिकेशन अंदर तक तो रेट ठीक है वरना किसी प्रॉपर जो टेक्नोलॉजी पर्सन के सामने जाके ये स्टेटमेंट में जारी करना है फिजिकल रिक्वायरमेंट अभी कर रखते हैं नहीं वो सबको पता है सर जहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन होती है ना पाकिस्तान चलो रहा है ठीक रहता है लेकिन कभी किसी मॉडल का बात करना होगा तो वही ना अब वो बहुत पीछे रह गए मॉडल ये इंफोटेक का ही सेमिनार होता हमारे बिल्डिंग छोड़ती गए अभी ना रिसेंटली एक साल हुआ उसको इसी गेम में क्यों कर था सर यहाँ लेट से प्राइवेट एंटरप्राइज में ऐसा है ना कि मैनेजमेंट रिलाई करती है आईटी डिपार्टमेंट के रिकमेंडेशंस पे और एक्सेप्ट भी करती है
या वो कह रहे हैं कि ये आजकल टेक्नोलॉजी चल रही है, ज़्यादा बेहतर आई है, इधर इस तरह से इधर हम जाके रिकमेंड करते हैं कि ये प्रोडक्ट और ये टेक्नोलॉजी उस तरह से करती है। वो जब बना था ना जो जिस तरह उस वक्त की आइडियोलॉजी थी ना वो उसी होता है। लेकिन वेस्टर्न है ना सारी प्रोडक्ट, फिर एक इशू आ जाएगा अगर हम इस और जिस दिन चाइना को अमेरिका ने रोका हमारी चाइना ने रोकी ना जाए तो ब्रोकेट वाले बनाते हैं हम तो नहीं बनाते हैं तो फिर लिखते हैं हुआ पे तो वो भी रुक गई थी वो कह रहा थी चूंकि क्लियर हो गया मामला तो बहुत सारी बच चुकी है लेकिन बस अजीब सी असल में सर वो एक साइबर सिक्योरिटी वाले हर एक वेस्टर्न चीज में ना छोटा छोटा पॉइंट निकाल के इतना हाईलाइट कर देते हैं कि वो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा डर जाती है। अभी रिसेंटली एक OHP की प्रोडक्ट का जो है वो कि इसराइल ने कुछ HP की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर साइबर सिक्योरिटी काउंटर मेजर्स के लिए ना कोई उसके अंदर अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ हर एक प्रोडक्ट में, चाहे सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर है तो उसके अंदर भी। तो वो इन्होंने कहा है साइबर सिक्योरिटी ने हमारी कि जी ये तो इंटेलिजेंस गैदरिंग और ये वो के लिए है, ये कोई खास काम नहीं है, बस बैन करें ये चीज़। इवन के ये चीज़ आपने शायद चेक की हो ना की हो, आप किसी बंदे से मिले किसी अन नॉन पर्सन से एक दफ़ा मिले कोई एक हफ्ते बाद दोबारा से एक दफ़ा मिले अगर आप फेसबुक खुद यूज करते हैं लिस्टेड में आ जाता है दूसरे लिस्टेड में नाम क्यों आता है जब इस चीज़ को बोलती है सर 2007 जस्ट फिजिकली मिले हैं बस। हाँ हाँ सर वैसे जाके मिले किसी अमेरिका में एक मास्टर्स का स्टूडेंट था उसने पेपर लिखा, उसने एक्सपेरिमेंट किए थे बिल्कुल सिंपल तो उसके टेस्ट फॉर्म में ना उसके कोई 8-9 के लिए मतलब स्टूडेंट्स थे सबको उसने एक एक खुद से ना लेके बेस एंड्रॉयड वाले नॉर्मल फोन्स दिए सबको एक एक आइडेंटिकल फोन्स और करते हुए ये थे कि फ़ोन सामने रख के ना टेबल पे इस तरह जितना भी मेरा लॉग होके पड़ा हुआ बस इंटरनेट वगैरह ही सारा उसके करके वो सारे ना डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं यार ये कोई हाँ वो करता है हिल स्टेट पे डिस्कशन करता है कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे कोई टेक्नोलॉजी पे कोई कपड़े इस तरह ना सारे रैंडम डिस्कशन करके मोबाइल से दूर रह के सिर्फ बोलते हैं। सबकी जो एड प्लेसमेंट थी ना वो सब इन्फ्लुएंस हो रही थी उनकी बातों से, फेसबुक पर एड आना शुरू हो गए, रियल स्टेट वाले को घरों के आना शुरू हो गए, गाड़ी वाले को गाड़ी के आने शुरू हो गए, उसमें बाकायदा एक साल उसने सारा वो बना के डेटा कंपाइल करके उसने रिसर्च पेपर निकाला और सारे लोगों को उसके बाद में शुरू हो गए कि हाँ ये होता है हम वो आपकी आवाज़ें सुनते हैं मतलब रिकॉर्ड नहीं करते बट वो हमने चूँकि एड प्लेसमेंट करनी होती है और सर्वेस करने होते हैं डेटा एनालिसिस करना तो उसके लिए हम यह करते हैं। बल्कि एक और रीज़न मैं रिसेंटली किया कि गूगल प्ले सर्विसेज एक चीज़ होती है इसमें ना एंड्रॉयड की मुझे नहीं पता था मुझे पता था किसकी होती मैंने उसकी सारी परमिशन रिपोर्ट करी जैसे ही फोन ऑन होता था ना स्क्रीन पर एक स्टैटिक पॉपअप आ जाता लिस्ट होती थी ऐप्स की कैलेंडर विल नॉट वर्क फोन विल नॉट वर्क मैसेज विल नॉट वर्क अनलेस यू प्रोवाइड दिस एंड दिस परमिशन टू गूगल प्ले सर्विस वो जब तक सारी उसको नहीं थी वो पॉपअप नहीं खत्म होता फोन यूज ही नहीं होता मतलब इतना तो उन्होंने किया हुआ अब से ही कह रहे हैं इसलिए इतना आप किधर गए
किस बंदे ने कितनी देर बाद में स्टे किया। बिल्कुल सर, ये स्टोर कहाँ करते हैं इतना? हम जैसे आम बंदों का भी डाटा क्यों इतनी ज़्यादा वो यूज़ कर रहे हैं अपने? तो सबसे ज़्यादा रिसर्च उनकी चल रही है इस लाइन से, ठीक है। उनमें जब बच्चा पैदा होता है कभी